किसानी संघर्ष के चलते बीते दिन किसानों के साथ हुई सरकार की बैठक में सरकार द्वारा इन खेती कानूनों को 1 से 1.5 साल तक रोके रखने का प्रस्ताव किसानों के सामने पेश किया गया, जिसके चलते किसान जत्थेबंदियों द्वारा आज सरकार द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ संघर्ष के चलते दिल्ली में निकाले जाने वाली ट्रैक्टर परेड को लेकर भी तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं, जिसके चलते आज किसानों द्वारा पठानकोट में करीब 300 ट्रैक्टरों के साथ ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल की गई, जो कि लदपालवा टोल प्लाजा से शुरू होकर शहर के विभिन्न बाजारों से होते हुए फिर लदपालवा में खत्म हुई। इस संबंधी जानकारी देते हुए किसानों ने कहा कि खेती कानूनों को रद्द करने के लिए सरकार अभी भी गंभीर नहीं दिखाई दे रही, जिसके चलते 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है, जिसकी आज पठानकोट में रिहर्सल की जा रही है। किसानों ने कहा अगर अब भी सरकार नहीं जागी तो उनकी तरफ से संघर्ष को और तेज किया जाएगा। नेशनल 18 के लिए पठानकोट से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मैं जसवंत सिंह लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसायटी वालों वाइस प्रधान पंजाब अज की जी आप 26 नूं परेड करनी है जी दिल्ली च उहदी रिहर्सल अज करदे शुरू कर रहे हैं जी। ये अपने वख वख शहरां चों पिंडां चों हुंदे होए वापस टोल प्लाजा ते आउणा। ये जी रिहर्सल आ ये आपां मोदी नूं जगाउणा चाहुंदे आ भी जिहड़े काले कानून जिन्ना चिर वापस नहीं करदा उन्ना चिर तक अपना संघर्ष जारी रहेगा, और अडानिया अवानिया के तले चटने छड़ दिओ और किसानां दी सार लो। अगे 125 किसानां दी बली लैती लै ली आ, होर किन्नियां क साडियां बलियां लैणियां, और सुचेत करदे आ भी इहनूं जल्दी तो जल्दी कानून रद्द कीते जाण, ते जे नहीं करदे ते अपना संघर्ष इस तरह ही लगत। वह बेसिटा रही है जी, वह फिर कह रहा जी 1.5 साल तक इन्हों होल्ड कर लें, ये कोई 1.5 साल तक होल्ड हाल्ड वाला कोई चक्कर नहीं, साड़ी जथेबंदियां जो फैसला लैनगियां वह अटल है जी, ते सारे कानून तिने कानून जिन चर वापस नहीं मुड़ तो रद्द होंगे उन्नी देर तक ये संघर्ष इस तरह जारी रहेगा जी। जिंदाबाद किसान मजदूर मुलाजम एकता जिंदाबाद। साडा अज का प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट पठानकोट का ट्रैक्टर मार्च, जिसे किसान मजदूर व्यापारी मुलाजम सारिआं दी एकता दे नाल ट्रैक्टर मार्च असी कढ रहे हां, जो कि केंद्र दी सरकार अजे भी उस अपनी हैंकड़बाजी तो उस ईगो नूं पूरा बरकरार रखदे होए उस हंकार नूं ना छड के ओह कानूनां नूं रद्द करन वाले पासे नहीं चल रहा, जिहड़ा कि यह पूरा पंजाब नहीं पूरे देश दे 80% लोग प्रभावित होणगे। जिहड़ा कि एसेंशियल कमोडिटीज़ दे इन्हां ने कानून एक्ट लिआंदा है वह आम लोगों नूं आम मध्य वर्ग परिवारों नूं वह कमर तोड़ देगा। जिहड़ी रसोई 5,000 रुपए नाल चलदी है वह आने वाले समय च 25,000 रुपये विच वी नहीं तुहाडी चलनी, जिहड़ी कि एक ये पूरे संसार वास्ते पूरे देश वास्ते बड़ी घातक खेती वास्ते और आने वाला जिहड़ा साडा नौजवान अहीं जिन्ने भी नौजवान किसान आ सारिआं वास्ते बहुत वड्डा घातक है, और अहीं अपने फ्यूचर नूं ध्यान च रखते हुए अज अं एक सरकार के खिलाफ जोरदार ढंग प्रदर्शन तो रोष करते पे हाँ, और अं सरकार तो अजे भी मंग करते हैं कि अपनी हैंकड़बाजी ईगो छड के इन्हों कानूदा रद्द किया जाए और आम आवाम जरा सुखी रह सके। अज किसान का जोड़ा प्रोग्राम चल रहा है पिछले 55 दिन तो दिल्ली के किसान धरना ला के बैठे ने अपनिया हकी मंगा वास्ते, उन्होंने पूरा कराने वास्ते उन्होंने नाल मोढ़े ना मोढ़ा मिला के पठानकोट जिले के समुचे किसान समुचिया बरादरियाँ मुलाजम जथेबंदियाँ मजदूर सारे इकट्ठे हो के जिला पठानकोट दे विच अज कार आते ट्रैक्टर रैली कढ़न जा रहे हैं। सारे लोगों का सारे वर्गों का पूरा सहयोग मिल रहा है, केंद्र की अन्नी ते बोली सरकार नूं जगाउण वास्ते असी पूरा हला बोल रहे हैं, और मैनू यकीन है कि सरकार नूं जिहड़ी केंद्र दी सरकार है बीजेपी दी सरकार है उसनू जागना पैना, क्योंकि
किसानां दे हौसले बहुत बुलंद ने। पंजाब दे हरेक पिंड दे विचों, पंजाब दे हर शहर दे विचों लोग दिल्ली दे विच गए ने और पुरजोर आवाज़ बुलंद कर रहे ने और उस आवाज़ दे अगे मैनू पता है कि सरकार नू अपने हथियार सुटने पैने है। साड़ी जित यकीनी है। होर थोड़े दिनों की गल है, कल दी मीटिंग तो जो साफ झलकदा कि बीजेपी सरकार जो पहला गल किसानां दी नहीं सुन रही सी हुण इस गल ते आ गई है कि असी साल डेढ़ साल वास्ते दो साल वास्ते अपने जिहड़े कानून ने इहनां नू होल्ड कर सकदे हां ते उन्नी देर कोई कमेटी बना दिंदे हां। पर किसानां दे हौसले बुलंद होण करके मैनू पता है कि एक जां दो मीटिंगां दे विच सरकार नू किसानां दे अगे इस हक सच की लड़ाई दे अगे झुकना ही पैना है और साड़ी जित जिहड़ी आ उह यकीनी है।